26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली के लाल किले पर फहराए गए झंडे और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने वामपंथी और अलगाववादी विचारधाराओं का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी भी की है। आज शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्राओं ने मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पहुंचकर वामपंथी दलों और अलगाववादी उन ताकतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जिन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। संगठन से जुड़े कई दर्जन युवक इंपीरियल तिराहे पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। ये कार्यकर्ता सीधे तौर पर उन गद्दारों को गोली मारने को लेकर नारेबाजी करते दिखे जिन्होंने किसान आंदोलन के सहारे लाल किले पर कब्जा कर लिया था। आज इस प्रदर्शन के दौरान एक नारा और सामने आया, वामपंथियों तुम्हारी कब्र खुदेगी। इस प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए वामपंथियों और अलगाववादियों का एक पुतला भी फूंका और इस मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से मांग भी की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो 26 जनवरी जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है गणतंत्र दिवस, उसमें 1947 के बाद आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जो कि किसान आंदोलन में दिखा। किसान आंदोलन की आड़ में वामपंथ और नक्सलीवाद जो विचारधारा रखते हैं, जो देश के तोड़ने की बात करते हैं, उन्होंने तिरंगे को फेंका। वीडियो में सोशल मीडिया पे साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया और वहाँ पे दूसरा झंडा फहराया। उस विचारधारा के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथी विचारधारा के विरोध में उसका पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन अपना व्यक्त किया है। क्या मांग है? मांग ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको जेल में डाल देना चाहिए ताकि ऐसी एक्टिविटी कभी ना हो पाए हमारे देश में। क्या